नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है, चाहे हम बात करें खेत की खुदाई की बात करें या फिर सड़क निर्माण की बात करें मोबाइल फोन्स की या फिर डिजिटल इंडिया की, हर तरफ प्रगति ही प्रगति, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नजर आ रहा है। और लोग जो है इस चीज को इम्प्लीमेंट कर कर अपने बड़े बड़े कामों को कम समय में आसानी से पूरा कर ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर का कोई भी काम हो, बड़ी बिल्डिंगें बनानी हो या फिर सीमेंट का जो मिलावट होता है उसको करनी है, चाहे वो धान का कटनी करना हो या फिर गेहूं की कटनी करनी हो, चाहे वो अलग कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से बुआई का काम होता है वो किया जाए या फिर खाद का छिड़काव किया जाए, इस प्रकार की चीजों के लिए अब जो है लोगों की जरूरत नहीं है, मशीन की जरूरत है। और मशीन के माध्यम से लोग आसानी से अपने काम को कम समय में अच्छा खासा कर लेते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो ही दिखाने वाला हूं जिस वीडियो में आपको नजर आएगा कि आजकल जिस तरीके से धान की कटनी चल रही है, तो पहले लोग मजदूर जो है हंसिया का इस्तेमाल कर कर धान की कटनी करते थे, उसके बाद उसको बांधते थे, बांधने के बाद फिर उसको ढोकर एक खलिहान में ले जाते थे और वहां पर ले जाकर अपने हाथों से पीटते थे या फिर ट्रैक्टर का सहारा लेते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे बढ़ी और कुछ साल पहले जो है हार्वेस्टर आया था जो कि धान की कटाई करता है, धान को अलग कर कर और उसके अन्य पदार्थों को जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको अलग कर देता है और आप कम समय में, बहुत ही कम समय में आप आसानी से धान की कटाई कर सकते हैं और उसको जो है आप चाहें तो सामने फेस टू फेस जो है लोगों को बेच भी सकते हैं। तो इस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है और आजकल टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा, मशीनरी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि कोई भी काम आसानी से हो जा रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं ग्रामीण क्षेत्र की जिसमें धान की कटाई एक हार्वेस्टर द्वारा की जा रही है। तो हार्वेस्टर जो है किस तरीके से धान की कटाई करता है, देखिए इस वीडियो में।
तो देखा आपने किस तरीके से, आसान तरीके से, धान चाहे गिरा हो या फिर खड़ा हो, किसी भी तरीके का धान हो, तो हार्वेस्टर जो है अपने मशीनरी पार्ट का इस्तेमाल कर आसानी से उसको अपने काबू में कर लेता है और फिर उस धान को एक अलग डब्बे में लेकर जाकर रख देता है और उसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो उसके बिना यूज वाले जो चीज होते हैं, उसको शायद कर देता है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से धान की कटाई होती है और इसी टेक्नोलॉजी से गेहूं की भी कटाई की जा सकती है, इसी टेक्नोलॉजी से सरसों की भी कटाई की जा सकती है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।